बोलेगा हमारा फोटो आएगा। ऐसी ताकतें इस देश में अपनी जड़ें नहीं जमा पाएंगी। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों तक विकास की रोशनी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के पहुंचे, इस संकल्प के साथ मोदी जी की सरकार काम कर रही है। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में, पिछले 5 सालों में हमने समाज के सभी वर्गों के आंखों में खुशी, ज़िंदगी में खुशहाली आए, इस काम के लिए काम किया है और आने वाले 5 सालों में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस बार जो है वो इस देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का मुसलमान, 2 लाख हज यात्री, हिंदुस्तानी हज यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 48% महिलाएं हैं और 2300 बगैर महरम महिलाएं भी जा रही हैं उसमें। 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्रा हो रही है और उसमें कई बड़े राज्य ऐसे हैं जिसमें कि बगैर किसी वेटिंग लिस्ट के सभी हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। साथ ही हमने पिछले 5 सालों में, पिछले 1-1.5 साल में ही जो हज सब्सिडी का छल था उसको ईमानदारी के बल से ख़त्म किया है और आज जो है वो 2 लाख हिंदुस्तान का हज यात्री, मुसलमान हज यात्रा पर जा रहा है तो बगैर किसी हज सब्सिडी के जा रहा है और उस पर किसी भी तरह का गैर ज़रूरी बोझ नहीं पड़ने दिया गया। हमारी कोशिश होगी कि सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ बराबरी से अल्पसंख्यक समाज की भी हिस्सेदारी, भागीदारी हो और उसके लिए